आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेवलेंथ इज जीरो। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है। होता क्या है कि आप मान लो कोई भी आप एक वेव ले लो, तो कोई भी अगर वेव ऐसी है तो वेवलेंथ डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी दो पार्टिकल जो सेम फेज में हो, यानी कि आप देखो ये पार्टिकल जिस फेज, ये पार्टिकल का जो सिस्टम है, ठीक है, तो कोई भी जो दो पार्टिकल सेम फेज में होंगे तो हम उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैम्डा। या सिंपल टर्म्स में आपने पढ़ा होगा कि जी दो क्रेस्ट और किसी दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। अगर ये पूरा है वेव, तो ये जो किसी दो ट्रफ और किसी दो क्रेस्ट के बीच का लैम्डा का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो जिनके बीच का जो, कोई भी आप दो पॉइंट्स ले लो जो कि सेम फेस में है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, ये होता है हमारे पास इक्वेशन। सिंपल सी बात है, आपको देखो पता है कि जो डेल्टा एक्स होता है फेस डिफरेंस, उसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी जो फाई होता है फेस डिफरेंस, उसकी वैल्यू होती है 2π बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर आपने डेल्टा एक्स ले लिया लैम्डा, तो यहाँ से देखो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी 2π। 2π का मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल सेम फेस में, यानी कि सर्कल आप देख लो तो सर्कल में क्या होता है, 2π का मतलब आप फिर से पीरियडिक आ गए, सेम पॉइंट पर आ गए। तो अगर कोई आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का 2π, तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पार्टिकल सेम फेज में है। तो अगर लैम्डा डिस्टेंस पर अगर आप बात करोगे तो दोनों पार्टिकल हमेशा सेम फेज में रहेंगे, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल का जो डेल्टा फाई होता है वो कितना होता है, 2π। ठीक है, तो आई होप आपको असर्शन क्लियर हो गया होगा। रीजन में क्या दिया गया है, करिस्पॉन्डिंग टू अ बीम ऑफ पैरेलल रेज लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट द वेव फ्रंट्स आर प्लेन्स पैरेलल टू वन अनदर। ये भी ट्रू है। देखो ये इसलिए ट्रू है क्योंकि मान लो कि आपके पास कोई पैरेलल बीम है, तो जो वेव फ्रंट्स होंगी वो क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो प्लेन बन रहा होगा, ठीक है, तो ये प्लेन क्या होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। मेरा थोड़ा एक सेकंड, अच्छा प्लेन बनाता हूँ, वो प्लेन कुछ ऐसा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो जो दूसरा प्लेन होगा वो भी इसी के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो दोनों प्लेन्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल प्लेन्स होंगे, तो यहाँ पर आपका रीजन भी ट्रू हो गया। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं बट कोई रिलेशन नहीं दोनों के बीच में, तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।